दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा डिवीजन के डीआरएम सुमित नरूला ने बोकारो रेलवे स्टेशन आवासीय कॉलोनी गुडशेड सीख लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आद्रा डिवीजन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन बोकारो है, इसलिए विभाग ने इस रेलवे स्टेशन से संबंधित सभी जगहों पर विशेष ध्यान दिया। गुडशेड पर विशेष सुविधाएं बहाल करने के लिए 25.5 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जबकि रेलवे स्टाफ की आवासीय कॉलोनी को बनवाने पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सामान्य निरीक्षण है, हमने अपने अधिकार को कई आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने टीटी लाइन कब चालू होगी पूछे जाने पर कहा कि यह प्रक्रियाधीन है, साल के अंत तक इसकी चालू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव सोच के साथ सभी आगे बढ़ रहे हैं, कई योजनाएं मंत्रालय में विचाराधीन हैं। 3 इंस्पेक्शन करने आए हैं अपने सारे ब्रांच ऑफिसर्स के साथ में, तो हम लोगों ने बोकारो गुडशेड का इंस्पेक्शन किया है। वहाँ पर आपको मैं बता दूं कि रेलवे बोर्ड के मैंने हमारे लिए जो है 49.5 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, जिसके तहत बोकारो गुडशेड को एक बहुत बढ़िया गुडशेड बनाने का हमको जो है पैसा मिला है। तो वो अभी शीघ्र ही उस पर जो है काम चालू हो जाएगा, टेंडर जो है फ्लोट करके हम लोग उसमें जो है काम चालू करेंगे। उसमें बेसिकली होगा ये कि रोड बनाने का काम, रोड को चौड़ा करने का काम, रोड को अच्छा करने का काम, और शेड और लाइन में जो इम्प्रूवमेंट और सरफेस में इम्प्रूवमेंट, ताकि लदान जल्दी हो सके, अनलोडिंग जल्दी हो सके, और मर्चेंट फ्लो का भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो। इस तरीके से खर्च होंगे लगभग इस पर 49.5 करोड़। इसके बाद फिर क्वार्टर्स भी जो हैं, नहीं क्वार्टर्स के लिए मैं अलग से जाऊंगा। क्वार्टर्स में मैं करीब जो है मैं देखूंगा कि क्वार्टर्स के लिए 2-3 अलग अलग वर्क्स जो है ये कुछ तो हमको हम नॉर्मल पैसा कुछ हम अपना खर्चा करते हैं, कुछ हम वर्क्स के तहत भी हम पैसे मांगते हैं, तो वो पैसे मिल जाने से हम लोग जो है बोकारो में जितनी बार भी आता हूँ क्वार्टर्स के बारे में मुझे जो है बताया जाता है, तो इस बार मैं क्वार्टर्स विज़िट करूँगा। और बाकी हम यार्ड और लदान और ट्रेन स्पीड और कैसे हम लोग जो है अपने जो है एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके, उस सब पे जो है। बेरमो के घोमिया में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में पंचायत के वार्ड सदस्य की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना कल रात की बताई जा रही है। जंगल में ले जाकर वार्ड सदस्य की गला रेतकर हत्या की घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया और मौके पर कई पोस्टर भी छोड़े हैं। बेरमो SDPO वशिष्ठ नारायण सिंह ने इसे नक्सली घटना करार दिया और कहा कि इस मामले की जाँच की जा रही है और जल्द ही नक्सलियों की पहचान भी कर ली जाएगी। पुलिस मुखबिरी पर उन्होंने कहा कि ये जाँच का विषय है। घटना चतरोचट्टी थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई है। यह घटना नक्सली घटना है, इसकी हत्या कर दी गई है। स्वच्छता में भ्रमण से सदस्यों का बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, हम लोग फर्दर कार्रवाई कर। किन का दस्ता है सर, कुछ पता है? विस्तृत ये कुछ इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है और हम लोग इस पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगा हुआ है सर, इसको कैसे देखते हैं? हम लोग छानबीन कर रहे हैं इसके बारे में। कुछ पर्चा भी अगर भी मिला है, पर्चा को भी विधिवत जब्त किया गया। थैंक यू सर। बेरमो में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के द्वारा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से पूजित अक्षत कलश को गोविंदपुरी पंचायत नागेश्वर मंदिर से गोविंदपुर पंचायत के नीलकंठ शिव मंदिर लाया गया, जिसके बाद पुजारी अमरदीप पांडे ने विधिवत पूजा अर्चना की। जय श्री राम के जयकारे से मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से सभी ग्रामीणों को इस ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। हम लोगों के पास आया हुआ है, इसमें हम लोग घर घर अक्षत कलश वितरण करना है, जिसमें 22 तारीख को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग ये अक्षत घर घर दे रहे हैं, ताकि आप लोग हर कोई अयोध्या पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए वो अपने घर में ही अयोध्या समझें और अपने आसपास के मंदिर को ही राम मंदिर समझ के वहाँ पूजा पाठ होम जप तप 22 तारीख को करें। ये कार्यक्रम 22 तारीख तक चलेगा हम लोगों का।